हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि हम कैसे परचेज रिटर्न में एंट्री कर सकते हैं। टैली आरपी 9 की बात करें तो अगर हम कोई माल परचेज करते हैं तो परचेज करने के दौरान हो सकता है वो माल में कुछ सामानों में खराबी आ जाए और हमें उसे होलसेलर यानी कि जिससे हम खरीदते हैं क्रेडिटर पार्टी को लौटाना पड़े, तो उसकी एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे उसी की बात करेंगे। बात करें इस वीडियो के रिक्वेस्ट की तो इनका नाम है सोनू शर्मा और इन्होंने रिक्वेस्ट की है और इन्होंने कहा है कि परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न दोनों के बारे में बताएं। तो ये वीडियो परचेज रिटर्न के बारे में है, तो आइए देख लेते हैं कि परचेज रिटर्न हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले टैली आरपी 9 ओपन करूंगा। अब देखिए यहाँ पर राजू ग्रोसरी होलसेलर के नाम से एक कंपनी है। अब इसको इस वे में मत लीजिएगा कि ये होलसेलर का ही हम काम करेंगे इसमें, जैसे ये कंपनी का नाम है, होलसेलर का इसमें कोई बहुत रोल नहीं है, ये सिर्फ नाम है। तो चलिए अब चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। आ गए यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर शो कर रहा है, हम सीधा चलते हैं कहाँ, परचेज वाउचर में कुछ परचेज करेंगे। चलिए ये परचेज वाउचर में चलते हैं और यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर 900 डाल दिया है, 900 डाला है मैंने सप्लायर इनवॉइस नंबर, ये बात याद रखिएगा। अभी 1 अप्रैल 2020 को खरीदारी हो रही है और चूंकि आप जानते हैं कि जब भी परचेज अकाउंट की एंट्री करेंगे हम, तो जो भी हमारा सप्लायर होगा उसका लेजर जो है क्रेडिटर पार्टी का लेजर कहलाता है। तो यहां पर रामू क्रेडिटर पार्टी का लेजर मैंने बना रखा है। अगर आपने क्रेडिटर और सिंडिकेटर पार्टी का लेजर बनाना सीखना है तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, अगर आपने नहीं जाना है तो, अब तक नहीं जान पाए तो। चलिए यहां पर एड्रेस डाल देते हैं पार्टी का, न्यू कॉलोनी देवरिया, सेम एड्रेस डाल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। एंटर प्रेस करता हूं और यहां पे इसको एक्सेप्ट कराता हूं। यहां पर जैसे ही आएंगे तो परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा, ठीक है। मैंने एक लेजर परचेज रिटर्न का भी पहले से बना रखा है, मैं आपको बताता हूं अभी इसको कैसे क्रिएट करना है। अब यहां पर कुछ हम परचेज कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए हम यहां पे परचेज कर रहे हैं हार्ड डिस्क, प्रेस करके हम लेजर बनाएंगे। तो हार्ड डिस्क लिखा हमने, लिख दिया, एंटर प्रेस किया और यहां पर अगर आप यूनिट बनाना नहीं जानते हैं तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यूनिट क्रिएशन वाली विंडो ओपन होगी, वहां से आप यूनिट क्रिएट कर लीजिएगा जो भी हो, ठीक है। यहां पर आइटम के नाम से यूनिट हमने क्रिएट किया है, ले लिया हमने, इंटरफेस किया और जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, इंटरफेस करके यहाँ गुड्स रखेंगे, इंटरफेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए आप, इंटरफेस कीजिए। यहाँ पर क्वांटिटी आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपने 500 हार्ड डिस्क खरीदे और एक हार्ड डिस्क की कीमत रही आपकी खरीदने के दौरान 1200 रुपए, तो इसके हिसाब से आपके पास 500 हार्ड डिस्क आ चुकी है, आप देख सकते हैं। एंटरप्रेस किया हमने और अभी मैं इसमें कुछ लगा नहीं रहा, अभी मैं डायरेक्ट, हमारा मैटर है डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न की कैसे हम एंट्री करेंगे उसी के बारे में जानकारी चाहिए, तो अभी हम इसमें जीएसटी वगैरह नहीं लगा रहे। एंटरप्रेस कर रहा हूं और ये चूंकि नया बिल है तो न्यू रेफरेंस कर देंगे इसको और एंटरप्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। हमने परचेज कर लिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करना तो मैंने पहले से बता रखा है कि डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर वाला ऑप्शन कैसे एक्टिवेट करेंगे। अब हमको सिंपली क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाना है। जैसे ही आएंगे तो यहां पर आपको इस हरे रंग की पट्टी पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों शो होगा, क्योंकि हम परचेज किया है हमने और उसको हमें रिटर्न करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें से कुछ माल खराब हो गया है, जो भी खराब निकला है चाहे किसी भी कारण से खराब निकला हो उसको हमें रिटर्न करना है। तो हम आ जाएंगे सीधा कहां, डेबिट नोट वाउचर में। तो अल्ट के साथ F9 प्रेस कीजिएगा तो डेबिट नोट वाउचर में आ जाइएगा। ये आ गए हम डेबिट नोट वाउचर में। इसके पहले मैं आपको वो एंट्री दिखा देता हूं जो अभी हमने की है। दो बार डी प्रेस करता हूं और यहां पर परचेज वाली एंट्री हम दिखा रहे हैं। तो ये है हमारा कीबोर्ड, इसके पहले जो हमने किया था, और ये हमारा जो अभी हमने एंट्री बनाई हार्ड डिस्क वाली वो ये है। तो यहां पर देख सकते हैं सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो है 900 है, 900, ठीक है, मैंने फिर दिखा दिया आपको। अब हम वापस चलते हैं कहां, अकाउंटिंग वाउचर में, वी प्रेस किया हमने और आ जाते हैं कहां, डेबिट नोट वाउचर में आ गए। अब यहां पर 900 नंबर का ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपको डालना है, एंटर प्रेस करना है। जिस डेट पर आप इसको रिटर्न कर रहे हैं वो डेट डाल दीजिए, मैं फिलहाल यही डेट रख लेता हूं, और इन्हीं को रिटर्न करना है हमें, यही हमारे सप्लायर हैं रामू क्रेडिटर, कर दिया। पता डाल देते हैं यहाँ पे जो भी एड्रेस है, न्यू कॉलोनी देवरिया, ओके, एंटर प्रेस करेंगे और यहां से उत्तर प्रदेश रखेंगे। और यहां पर अब लेजर जो आएगा वो परचेज रिटर्न का आएगा। जैसे आप परचेज अकाउंट का लेजर बनाते हैं सेम उसी ग्रुप में आपको डालना है परचेज रिटर्न को भी, ठीक है। तो लेजर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है,
बना लीजिएगा इसको, परचेज रिटर्न लिखिएगा लेजर बनाते समय, और ग्रुप में डालिएगा आप इसको परचेज अकाउंट के, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस कर दिया हमने। अब जो भी माल है उसको हमें लौटाना है, जैसे मान लीजिए हार्ड डिस्क था तो हार्ड डिस्क यहाँ आ गया, 500 आइटम हमारे पास मौजूद है हार्ड डिस्क के, कितने आइटम खराब है, जैसे मान लीजिए 120 आइटम हार्ड डिस्क के खराब है, तो ये हम रिटर्न कर रहे हैं, तो ये रिटर्न किया हमने, एंटर प्रेस किया और यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए अपने आप आ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस, यानी कि जो 900 नंबर का बिल हमें मिला था उसी के अगेंस्ट रेफरेंस में इसको हम लौटा रहे हैं, यानी माल खराब निकला है तो हम इसको लौटा रहे हैं। तो यहाँ दो बिल है, 800 नंबर का बिल है और 900 नंबर का बिल है, तो हमें 900 नंबर वाला बिल जो है रिटर्न करना है, तो ये रिटर्न कर दिया हमने। और यहाँ पर नरेशन में डाल देंगे जो भी आपका कारण रहा हो, बीइंग गुड्स रिटर्न ड्यू टू सम रीजन, जो भी रीजन हो वो रीजन आप यहां डाल सकते हैं, ये डाल दिया हमने और एंटर प्रेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब ये हमारी एंट्री हो गई पूरी, ये हमने रिटर्न कर दिया। अच्छा रिटर्न किया तो अभी रिटर्न तो कर दिया हमने, इसको देख लेते हैं एक बार कहां पे ये एंट्री गई है। तो ये देखिए डेबिट नोट वाउचर में एंट्री ये गई है, ये है, इसको हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारा बिल है। अगर हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो यहां से ये प्रिंट भी हो जाएगा, तो ये बिल हमें प्राप्त होगा और मैं इसको डेबिट नोट के नाम से सेव कर देता हूं और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। हम चल के इसको देखेंगे कि ये प्रिंट कैसा दिखाई पड़ता है, हमारा बिल है, डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। ये देख सकते हैं ये हमने रिटर्न किया है, राजू ग्रोसरी होलसेलर ये कंपनी का नाम है और रामू क्रेडिटर जो पार्टी जिसने हमें माल बेचा था उसे हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और कितना क्वांटिटी रिटर्न कर रहे हैं, तो ये 200 आइटम है इसको हम रिटर्न कर रहे हैं, कुल मिला के 20,000 का माल है। और नरेशन में हमने लिखा है कि जो भी हमारा बैड क्वालिटी के चलते या जो भी जिस कारण से भी, तो वो चीज यहाँ पर प्रिंट होकर नहीं आ रही है। अगर आपको ये जानना है कि नरेशन कैसे प्रिंट होकर आएगा तो इसके लिए एक अलग से वीडियो डाल दूंगा मैं। फिलहाल ये वीडियो डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाउचर के लिए, डेबिट नोट वाउचर का उपयोग करने के लिए थी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि कैसे इसको उपयोग करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।